वफा फिर जो हुए वो। हाँ हाँ बस मैं अभी पहुंच रही हूँ, फौरन निकल रही हूँ। अचलत में जा रही हो? हाँ मुझे कुछ काम था, आप बताएं। मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। अभी इस वक्त? अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास? कहिए क्या बात करनी है आप। मायर और तुम्हारे दरमियान कुछ झगड़ा हुआ है? ये सवाल आप मेरी बजाय मायर से पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने तो बड़े बड़े दावे किए थे, मायर का ख्याल रखूंगी, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी वगैरह वगैरह। हाँ ये खाक ख्याल रख रही हूँ उसका। वो मुझसे शिकायत नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे नजर नहीं आता। आपको सिर्फ अपने बेटे की तन्हाई और अकेलेपन का ख्याल है ना? मैंने जो दावे किए थे उनको निभाने की पूरी कोशिश भी की, और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहें ना तो आपको नजर आ जाएगा, और ये भी समझ आ जाएगा कि सब में गलती किसकी है, मायर की या मेरी। मायर ने अपनी मसरूफियत अपने बिजनेस में ढूंढ ली है और मैंने बाहर, इसमें बुराई क्या है? घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलती जैसा कि तुम कर रही। तुमने आज तक मोहब्बत से उसके लिए एक कप चाय तक का नहीं बनाया। मायर की खामियां गिनवाने से पहले अपने अंदर वो खूबी पैदा करो जिसे देखकर वो तुम्हारी कदर करे। चले जा, बाय बाय। भाभी सही, खुदा हाफिज। हेलो। हाय हेलो बाद में करना, पहले मेरी मेरे शौहर से बात करवाओ। हैरत की बात है, शौहर आपका और पूछा आप मुझसे रही हैं। मुझे क्यों पता होगा कि आपका शौहर कहाँ है? मैंने फोन तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं किया, मुझे मायर से बात करनी है, प्लीज मेरी उससे बात करवा दो। अरे मोहतरमा, पहले आप खुद कॉल करती हैं, मायर का पूछती हैं, और जब मैं मायर को आपका शौहर कहूँ तो आपको इंसल्ट लग गया। अपनी बकवास बंद करो, ओके? लोकेशन पिन बता रही है कि मायर वहीं है। पुनीसे, तुम्हारा दिमाग वाकई में खराब हो चुका हुआ है, इसका इलाज करवाओ। बल्कि एक काम करो, अपने शोहर के साथ दो चार बॉडीगार्ड्स रख लो जो तुम्हें बता सकें कि मायर कब कहाँ है और कहाँ नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें फालतू बातें करने का, मगर मेरे पास बिल्कुल फालतू वक्त नहीं है तुम पर जाया करने के लिए। हेलो, चलना नहीं है? आप लोग तो उस दिन के बाद इससे मिलने ही नहीं आए, मैंने ही सोचा कि इसको इसकी नाना और खाला से मिलवा लाती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है कि तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें आने की इजाजत तो दे दी। अब रुकोगी ना? नहीं अम्मी, मुनीब शाम को वापस आ जाएंगे, मुझे उनके आने से पहले घर जाना है। अगर मैं टाइम से घर ना पहुंची ना तो मुनीब की अम्मी मुनीब को मेरे खिलाफ करके फिर कोई ना कोई महाज खड़ा कर देंगी। तो मुनीब भाई और आंटी की इजाजत से नहीं आई? मैं कौन सा पराए घर आ रही हूँ जो उनकी इजाजत लेके आती।
अरे ये क्या बात कर दी तुमने बेटा, शादी के बाद बीवी पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। अम्मी मुनीब तो जैसे अपने बड़े हक निभा रहे हैं ना। हद हो गई, ये जो तुम हर बात में फटाफट जवाब दे देती हो ना फटाक से, ये जल्दबाजियों की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं घर में, दिलों में बहस पैदा होते हैं बेटे, नफरतें बढ़ती हैं। बस कर दे अम्मी, मैं आपसे मिलने आई हूँ और आप खुश होने की बजाय मुझे नसीहतें करने बैठ गई हैं। अब मुनीब की अम्मी के दिल में जितनी भी मैं जगह बनाने की कोशिश कर लूँ ना, वो हमेशा मुझसे तल्ख ही रहेंगी। चलो छोड़ो ना, तुम अपना दिल छोटा मत करो। देखो ना, हमारी शहजादी पहली बार इस घर में आई है, वो क्या सोचेगी कि माँ ने आते ही दादी की चुगलियाँ लगाना शुरू कर दी। अनाया, इसके सारे नैनक्ष ना तुम पर गए हैं। देखो बड़ी हो गई है माशाल्लाह। पकड़ो ना, देखो इसको। अब क्या हो गया अनाया? मेरी सास की ना दकियान उसी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, तो जब भी बोलती है ना जबान पर मिर्च रखकर बोलती है। तुम खाला हो इसकी। अम्मी वो मुझे आपसे ना एक तो जरूरी बात करनी है। हाँ चल के करते। चलो चलो चलो, आज आज इसकी खाला को उसके साथ खेलियां करने तो आज। तुम कितनी प्यारी हो, तुम खाला की बीती हो। अभी हम उठेंगे, खाला से देश वाली बातें कर लेंगे, खाला के साथ खेलेंगे। आमिर सर, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। बॉस मीटिंग से फ्री हो जाए तो उन्हें दे दीजिएगा। क्या क्या कह रही हो तुम? बस मेरी मर्जी। बट जो ना, तुम्हें तो इस जॉब की बहुत जरूरत थी। हाँ थी, लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूंगी और पार्ट टाइम अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लूंगी। देखो मैं बॉस से बात कर लेती। इसकी जहमत की जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगी अपने लिए। किस तरह से बात कर रही हूँ तुमसे? किस तरह बात कर रही हूँ? ओ हाँ, वन सेकेंड, आप मेरे सीनियर हैं और मैं आपकी जूनियर। सीनियर और जूनियर के बीच में बेतकल्लुफी का कोई रिश्ता नहीं होता, राइट? अब तक अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो या फिर नागवार गुजरी हो तो उसके लिए हम सॉरी। देखो जोना, तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकती? अगर सैलरी का या कोई प्रमोशन का मसला है तो मैं बात कर लेता हूँ ना बॉस। बात सैलरी या फिर प्रोग्रेस की नहीं है, बात तो घर के ताल्लुक की है। मैं आ रही ना तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी और पता नहीं क्यों मैं जब 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 भी आपको देखती हूँ ना तो मुझे हर बार आपसे मोहब्बत हो जाती है। अगर मैं आ रही ना तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। मैं यहां से गई ना तो मैं खुद को संभाल लूंगी, लेकिन अगर मैं आ रही तो मुझसे नहीं होगा, इसलिए प्लीज मुझे। Wow, you both surprised me. एक नखरे करते नहीं थक रहे और दूसरा उसे मनाते हुए। तो
ये है तुम्हारे काम की मसरूफियत? Behave yourself. This is my office. अच्छा, तो ये तुम्हारा ऑफिस है? ऑफिस कम लवर्स पॉइंट ज्यादा लग रहा है। ज़बान संभाल के बात करो तुम। अगर अभी तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती हो। Really? What are you gonna do, huh? ऑफिस से निकालोगे? इंसल्ट करोगे मेरी? इसे क्यों नहीं निकाल देते जो हमारे बीच आ गई है? नहीं, आवाज नीची करो। ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। What? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? ये तो है जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। और तुम ये मासूम बन के क्या खड़ी हो? हाँ, तुम्हारा ये जो मासूम चेहरा है ना, इसे तो बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। Do you get that? आज के बाद जोना को हाथ मत लगाना। Do you get it? तुम बहने कैसे लड़कों को फंसा लेती हो? कहां से सीखा है ये हुनर? जैसी तुम्हारी बहन अनाया वैसी ही तुम हो। उसने जिस तरह मायर को मुनीजे से छीना है, उसी तरह मुझसे तुम आमिर को छीन रही हो। क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? दूसरों की खुशी बर्बाद करके तुम्हें क्या मजा मिलता है? प्लीज स्टॉप क्राइंग नाउ। जस्ट टेल मी, मुझे बताओ, तुम्हारा आमिर के साथ कोई रिश्ता नहीं है ना? और जो कुछ भी मैंने अभी देखा वो सब झूठ था ना? जस्ट टेल मी। ये मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारी सोच इस कदर घटिया है, मैं कभी नहीं सोच सकता। और तुम जानना चाहती हो कि हमारा रिश्ता क्या है? हाँ, मैं और जोना एक दूसरे से शादी करने वाले। मेरी होने वाली बीवी। Do you get that? मैं चेंज करता हूँ, फिर खाना खाते हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ। और अमीन? I don't know about her. क्या मतलब you don't know about her? मतलब तुमने खाना खा लिया और तुम्हें ये नहीं पता कि उन्होंने खाया कि नहीं खाया? क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अलबत्ता मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर हूँ। अगर तुम्हें याद हो तो तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो, अगर तुम मुझे बताना जरूरी नहीं समझते तो मैं भी तुमसे रिलेटेड किसी चीज के लिए खुद को पाबंद नहीं समझती। था नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा उनके साथ रवैया चेंज हो गया, और शादी से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे वही औरत है जिसने तुम्हें अपनी बेटी की तरह मोहब्बत।
जितनी वो मोहब्बत सवेरा से करती है उतनी तुमसे करती है। क्यों इस तरह का तासुर दे रही हो कि जैसे कि तुम्हारा मकसद पूरा हो गया और अब मेरा गुस्सा उन पर निकाल रही हो? तुम ठीक कह रहे हो, तुम तक पहुंचने के लिए मुझे उनका सहारा लेना पड़ा, मगर कुछ भी तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था कि तुमसे शादी के बाद जिंदगी ऐसी होगी वैसी होगी। किस तरह मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। और रही बात चेंज होने की, तो अगर मैं वैसी नहीं रही तो तुम भी तो वैसे नहीं हो। आज के बाद जोला को हाथ मत लगाना। Do you get it? और जोना एक दूसरे से शादी करने वाले, मेरी होने वाली बीवी। क्यों भाई, खाली पेट चक्कर क्यों लगा रही हो? चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना अभी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? कुछ नहीं हुआ अभी। आज ऑफिस में इतना बड़ा हंगामा हो गया, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर देने ऑफिस गई थी और वहां वो सवेरा आ गई। आप ही, उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की, इतनी बदतमीजी की मैं आपको बता नहीं सकती। उसने आपके बारे में भी उल्टा सीधा बोला। मेरे पास भी जवाब था, लेकिन बस मैं ऑफिस की इज्जत की वजह से खामोश कर गई। खुलेआम शादीशुदा होने के बावजूद भी हमारे से अब तक अपनी मोहब्बत का एतराफ करती है, तो आप बताएं कि कैरेक्टर मेरा खराब हुआ या उसका? अच्छा रिलैक्स, कोई बात नहीं। क्या हो गया है आपको? अभी उसकी वजह से इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। आपको पता है उसने मुझसे क्या क्या नहीं कहा? आमिन ने सबके सामने कहा कि मैं उसकी होने वाली बीवी हूं। इससे भी कोई कहता है क्या? वो भी पूरे ऑफिस के सामने। ऑफिस के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई? आप ही, मैं कैसे जाऊंगी उस ऑफिस? हर वक्त जब मैं उससे अपनी मोहब्बत का एतराफ करती थी तो वो मुझे इग्नोर करता था। और अब क्यों किया उसने ऐसा? आप ही, क्यों इतना बड़ा झूठ बोला उसने? उसने मेरी फीलिंग्स की भी कदर नहीं की, उसको एहसास ही नहीं मेरी फीलिंग्स का। सुना बच्चे, बस सब ठीक हो जाएगा। सब मुझे नहीं करनी इससे बात। प्लीज होना, मेरा फोन मत काटना। हेलो आमिर, बात सुनने के लिए रह क्या गया है? क्या किया तुमने आज? देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। जो भी मैंने कहा वो सिर्फ इसलिए कहा कि सफेरा के दिल से अपने आप को निकाल पाऊं। मेरा हरगिज मकसद दोना को हर्ट करना नहीं था। आई स्वेयर। तुमने सफेरा के हक में जो किया ठीक किया, लेकिन सुनी
सुनी की जिंदगी पे इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, उसका क्या? आमिर, एक लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है। लोग तो एक मिनट नहीं लगाते उसको खराब करने और उछालने में। तुम्हें अपने और सवेरा के बीच में सुनी को नहीं लेकर आना चाहिए था। अफसोस के साथ, तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत। आप प्लीज मेरी, हेलो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या हुआ है, क्या हुआ है? कोई बात नहीं, फरियाल, फरियाल, क्या हुआ है मुनीब? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, ऐसे दो उल्टियां कर चुकी है, बहुत परेशान सी लग रही है, पता नहीं, देखो तुम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुनीब, मैंने तो इसे ऐसा कुछ नहीं दिया, मुझे लगता है इसके पेट में दर्द है। अच्छा, पेट में कैसे दर्द हो सकता है, क्या? अम्मी देखिए ना इसको क्या हुआ है। अरे भाई क्या हो गया, एक जरा सी बच्ची नहीं संभल रही तुमसे, कैसी माँ हो? पता नहीं अम्मी क्या हो गया बेचारी, सुबह से तो अच्छी भली थी, अब देखें अचानक से इतना बेचैन हो गई है। हाँ, कहीं झपेटे में तो नहीं आ गई? अम्मी क्या क्या झपेटे साहब, कुछ हो गया, उसको तकलीफ से रो रही है वो। क्यों बेबी, क्या किया है इसे? मना भी किया था ना मैं, अभी इसे नहीं लेके जाओ, मगर मेरी कहाँ सुनती हो, नजरे बद तो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ती। क्या क्या तुम अपने घर गई थी? हाँ गई थी, मगर तुम मना किया था ना कि घर नहीं जाना इसको लेके यार। मगर घर जाने से इसकी तबीयत का क्या ताल्लुक है? 100% ताल्लुक है, है? जब से तुम्हारी बहन का साया इस पे पड़ा है तब से इसकी तबीयत खराब हुई है, तभी से रोए जा रही है। अब खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, मैं जरा चादर ले लूं अपनी। हाँ अम्मी आप जल्दी से हैं, दो मुझे। मुनीब पकड़े, मैं भी चादर लेके आती हूं। तुम कहाँ जा रही हो यार, देख ली तुम्हारी ममता, तुम्हारी लापरवाही की वजह से इसका ये हाल हुआ है, हटो। मुनीब, मुनीब, बच्ची को क्या हो गया, कहीं ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी? नहीं, मुझे ये क्या है यार, गीला टॉवल तुमने यहाँ रखा हुआ, मैं गीले बिस्तर पे सोऊंगा। गलती से रख दिया होगा, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जो चीज जहाँ होनी चाहिए उसको वहीं रखा करो। क्या तुम वहां हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए? क्या कहना चाह रही? इस बात का मतलब ये कि मेरी हर आदत तुम्हें बुरी लगती है, मेरा कोई काम कोई बात तुम्हें पसंद नहीं है, सब कुछ ठीक तो अनाया में था ना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से मुझमें कोई अच्छी आदत भी है या नहीं? अच्छी आदत का तो नहीं पता, हाँ अलबत्ता एक बुरी आदत जरूर है कि तुम बार बार एक ही बात रिपीट किए जाती हो और वो है अनाया। मगर एटलीस्ट मैं उसकी तरह बेवफा और धोखेबाज नहीं हूं, फिर क्या फायदा, इतना सब कुछ करने के बावजूद वो तुम्हारे दिमाग पर अभी तक सवार है। Would you just shut up? You just shut up and listen to me, okay? उसकी यादों का कबाड़ जो तुमने अपने दिमाग में जमा करके रखा है ना, उसको जितनी जल्दी तुम निकाल कर बाहर फेंक दो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझसे ज्यादा तो तुम obsessed हो यार उसके साथ, सारा वक्त वो तुम्हारे सर पे सवार रहती है, कोई और बात ही नहीं है तुम्हारे पास करने को। और पता है क्या, उससे ज्यादा मैं तुमसे तंग आ गया।
तुमने अपने आप को एक बड़ी परेशानी में डाला नहीं है, बल्कि उससे बचा लिया है। मैं तो सवेरों को बहुत एक समझदार लड़की समझती थी, पर उसने शादी के इस मजबूत रिश्ते को इतना हल्का समझा। मुझे सवेरा से ज्यादा जोना की फिक्र। सवेरा ने जिस तरह बुरी तरह से ट्रीट किया है ना जोना को, वो मैं भूल ही नहीं पा रहा, और मजबूरी में मुझे वो सब करना पड़ा। पर तुमने तो कहा है कि ये सब तुमने सवेरा की भलाई के लिए किया है, लेकिन अब तो कुछ और समझ में आ रहा है। क्या लग रहा है पप्पू? यही कि तुम उस वक्त सिर्फ जोना के बारे में सोच रहे थे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके दिल का ख्याल रख रहे थे। तो तुम जोना को वहां से लेकर चले गए क्योंकि तुम ये नहीं चाहते थे कि सवेरा की बातों से उसको तकलीफ पहुंचे। तो तुम वहां सवेरा के लिए नहीं रुके कि वो हर्ट हो जाएगी, अगर उस वक्त तुम्हें सिर्फ जोना का ख्याल था। देखो आमिर, तुम कहते थे ना, एक मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता, मगर लगता है जोना ने तुम्हारे दिल में सवेरा की जगह ले ली है। और इससे पहले सवेरा कोई इंतहाई कदम मजबूरी में उठा ले, तुम्हें कोई फैसला कर लेना चाहिए। कैसा फैसला? सवेरा के सामने जो तुमने गलत बयानी की है ना, उसे दुरुस्त करने का फैसला। अब जोना से शादी ही तुम्हारे मसले का हल है। मुनीजे, तुम्हारा मसला क्या है? इस रूटीन से बोर नहीं होती तुम? रोज झगड़ा करके उसे घर से जाने पर मजबूर कर देती हो, दो घड़ी का आराम नहीं है उससे। This is not fair. तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि कोई तीसरा कान लगाकर हमारी बातें नहीं सुने। मुझे अपनी जासूसी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तमीज से बात कर। क्यों? हम यहाँ कोई बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे हैं जो मैं आपसे तमीज से बात करूं? यहाँ बात मेरे हक की हो रही है तो मैं बोलूंगी ना। कौन सी हक तलफी की उसने तुम्हारी? हाँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और क्या उसकी एक्टिविटी है बताओ जरा मुझे। यही तो प्रॉब्लम है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उसने अपनी जिंदगी को यहीं तक महदूद कर लिया है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ बाहर आए जाए। अनाया के साथ तो ये सब कुछ बहुत शौक से करता था, उसको शॉपिंग पे ले जाना, उसके साथ बाहर जाना। उसके साथ तो उसने अपना हनीमून भी प्लान कर लिया था, याद है ना आपको? और जब मैंने हनीमून पर जाने की बात की तो उसने ये कहकर आराम से टाल दिया कि ऑफिस में काम है। वो बहाने नहीं बना रहा है, वो नहीं टाल रहा तुम्हें। बिजनेस के उसूल तुमसे ज्यादा और कौन जान सकता है? ऑफिस का लोड है उस पर, मैंने उससे बात की थी, उसने कहा मम्मी जरा लोड कम होगा तो मैं उसे टूर पर ले जाऊंगा। मुनी से जब उसने शादी की है तुमसे तो धीरे धीरे अपना भी लेगा तुम्हें, ये क्यों नहीं सोचती हो तुम? आज अभी तक सो रही है सवेरा?
सवेरे उठो। ये क्या, इसे तो तेज बुखार हो रहा है। माँ, मैं फाउंडेशन के लिए निकल रही हूँ। फरियाल के घर का कुछ सामान रह गया था, तो मैं सोच रही हूँ रास्ते में देती भी जाऊँ उसे। अरे तुम रहने दो, मैं जूना के साथ जाके दे आऊंगी, तुम अपने काम पे जाओ बेटा। माँ जूनी कहाँ जाएगी अकेले, मैं दे आती हूँ, रास्ते में ही पड़ेगा। चलो जो तुम्हें ठीक है। पता नहीं कौन सा हाथ का दिया लिया काम आ गया जो बच्ची की जान बच गई। वरना तो फजर पे सोई है, सुकून ही नहीं था। अम्मी, दवा पिलाई से? हाँ दवाई पिलाई है, तभी तो सो रही है। अम्मी मिशेल को दे मुझे, आप जाएं जाके आराम कर लें। रहने दो ये चोंचले। अरे जान लेने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुमने इसकी? ये क्या कह रही है अम्मी आप? माँ हूं मैं इसकी, आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे अपनी बेटी की। हाँ कितनी फिक्र है तुम्हें, सब पता है मुझे। सारी परवाह तुम्हें अपनी माँ और बहनों की है। अगली मर्तबा मैं के जाओ ना तो इसे छोड़ के जाना, खबरदार जो साथ लेके गई। मुनीप सुन रहे हैं आप अम्मी क्या कह रही हैं? सुन रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एहसास है, इस बच्ची का एहसास करने के बजाय तुम मेरी माँ से बहस कर रही हो, बदतमीजी कर रही हो। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है कि डॉक्टर के पास उसे लेके गए तो डॉक्टर ने कहा था कि सिचुएशन सीरियस है उसकी, वरना तुम जैसी लापरवाह औरत ने तो मेरी बच्ची की जान ले ली थी। क्या लापरवाही की है मैंने? घर संभालती हूँ, मिशेल को दिन रात संभालती हूँ, के माँ बाप की खिदमत करती हूँ, और आप, आपको कब शिकायत का मौका दिया मैंने? सुन लो भाई, इनका कहना है हमने इन्हें नौकरानी बना के काम में झोंक रखा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और आप लोग मुझे और मेरी बेटी को मेरी माँ बहन से मिलने से नहीं रोक सकते। अच्छा तो जाओ, जाओ ना, मैंने कब मना किया, जाओ, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। ये आपकी नहीं मेरी भी बेटी है, और आप मुझे इससे दूर नहीं कर सकते। और हाँ, पर गई ठंडक आपके दिल को हम दोनों में फूट डलवा कर। फरियोल लो आगे इसके हमायती। अच्छा हुआ तुम आगे, अपनी बहन को लो, दोनों निकल जाओ मेरे घर से। चार दिन अपने माँ बाप के घर पे रहोगे ना, अक्सर ठिकाने आ जाएगी। बस मुनीप भाई, कोई बात है तो बैठ के भी हो सकती है, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा सुलझा ले, इससे कहो कि मेरी माँ से माफी मांगे। मांगो माफी। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर दफा हो जाओ घर से, अभी इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ, और उस दिन तक इस घर में वापस नहीं आना जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो, और जिस दिन एहसास हो जाए उसे ना जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे बहनों ही जैसा तो हूं नहीं कि अपने घर के दरवाजे अपनी ही बीवी के लिए बंद कर दूं। मुनीप रुको। सुना नहीं मुनीप ने क्या कहा है? तुम जैसी बदजबान लड़की की हमारे घर में कोई जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं भी, मुझे मेरी बच्ची ला कर दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, और वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकती।
अरे इस खुशफहमी में मत रहना, बच्ची भी तुम्हारे बगैर रह लेगी और उसका बाप भी। चलो दफा हो, निकलो यहाँ से। चलो आंटी, आंटी 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 बैठ के बात करते हैं ना, ऐसे कैसे आप। खामोश हो जाओ तुम, ये हमारे घर का मामला है, हमें सुलझाने दो। चलो तुम भी जाओ यहाँ से, चलो। बस बहुत हो गया अनाया, अब तुम इनसे मेरे लिए फरियाद नहीं करोगी। मैं भी देखती हूँ 4 दिन में किसकी अक्ल ठिकाने आती है। चलो यहाँ से, जाओ जाओ बड़े देखे, निकलो। फरियाल, मेरा बच्चा अगर माफी मांगने से झगड़ा खत्म हो रहा था तो मांग लेती ना माफी, इसमें हरज ही क्या है। ये क्या बात हुई कि छोटी सी दूध पीती हुई बच्ची को छोड़ के तुम आ गई। मैं अपनी खुशी से नहीं आई अम्मी, आप नहीं जानते उन सबने मेरे साथ किया क्या है। सब अनाया के सामने की बात है ना, नीम हमेशा मेरे साथ यही करते हैं, उनकी माँ उन्हें भड़काती है और आकर मुझ पर गुस्सा करने लग जाते हैं। कल तक जिस बच्चे की उन्हें खुशी तक नहीं थी, आज उस पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। इसमें भला कब्जे वाली क्या बात है, मुनीब भी बाप है उस बच्ची का। तो मैं भी माँ हूँ उसकी, या मुझे उसकी तकलीफ और दर्द का एहसास नहीं है। उठो ये लो पानी पी लो। उठो बहन, पानी लेके आई। उठो फरियाद, मैं जानती हूँ कि चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हैं, लेकिन इस तरह जल्दबाजी में वहां से यहाँ आ जाना, ये फैसला तुमने बहुत जल्दबाजी में लिया है। मैं कोशिश कर रही थी ना कि सिचुएशन हैंडल हो जाए, तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अनाया, मैं मुनीब की अम्मी से माफी नहीं मांगूंगी। फिर जो